स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने प्रश्न कुंडली की श्रृंखला में 11 नंबर का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये प्रेम संबंधी प्रश्न के बारे में आपको बताऊंगा मैं। इसमें प्रेम संबंधी प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे हम अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इस पे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। प्रेम एक ऐसा प्रश्न है जिससे टीनेजर और अधिक उम्र के लोग भी जानने को इंटरेस्टेड होते हैं, यानी ज्यादा उम्र के लोग भी जानना चाहते हैं कि मैं किसी से प्यार करता हूं, किसी अमुक स्त्री से या अमुक पुरुष से। टीनेजर की तो बात ही छोड़िए, उनका तो रोज ही एक नया प्रेम संबंध भी आ जाता है कभी कभी। तो ये ज्योतिष ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आप जान लीजिए कि कोई भी अपोनेंट, पुरुष हो तो सप्तम भाव उसका अपोनेंट है और स्त्री हो तो सप्तम भाव उसका अपोनेंट है। यानी अगर कोई पुरुष अगर पूछता है कि अमुक स्त्री से मुझे प्रेम है, वो मुझसे प्रेम करती है या नहीं, ये जानने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए आपने वही जो रूल्स में बता चुका हूं उस पर ध्यान देना है कि लग्नेश का और सप्तमेश का इत्थसाल योग कहीं हो रहा है कि नहीं, और सूर्य के साथ यहाँ या पंचमेश के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ मेष लग्न ली है इसलिए सूर्य पंचमेश बनता है। तो सूर्य की दृष्टि अगर मंगल पे है कहीं और मंगल सूर्य के साथ योग बना रहा है, मंगल सूर्य पे दृष्टि दे रहा है, और सप्तमेश अक्सर सूर्य के साथ ही होगा, आप समझते ही हैं शुक्र और सूर्य अक्सर साथ ही होते हैं, तो सूर्य और शुक्र की दृष्टि अगर मंगल पे पड़ रही है और मंगल इत्थसाल योग बना रहा है पंचमेश के साथ और सप्तमेश के साथ, तो प्रेम संबंधी प्रश्न में आप कह सकते हैं कि प्रेम संबंध आपके होंगे या आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे भी प्रेम करता है। लेकिन इसका उलट अगर कोई योगा योग इनमें अगर नहीं बनता है और योगा योग होने के बावजूद अगर शनि देव की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, मान लीजिए प्रेम के भाव पे या पंचमेश पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ रही है कहीं से भी लग्नेश पे, खास करके पंचमेश पे और सप्तमेश पे अगर शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो प्रेम में आप कह सकते हैं कि सफलता मिलेगी। चंद्रमा की दृष्टि फिर यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जान लीजिए कि प्रश्न कुंडली में कहीं से भी चंद्रमा दृष्टि अगर देता है लग्नेश पे, मंगल पे या सप्तमेश पे या पंचमेश पे, तो प्रेम संबंधी जो प्रश्न पूछा गया है उसमें सफलता मिलने का प्रतिशत बढ़ जाता है। प्रश्न के वक्त अगर सूर्य निर्बल अवस्था में है, निर्बल मतलब सूर्य डिग्री में कम है, राहु के साथ संबंध बना रहा है, शनि के साथ संबंध बना रहा है, तो सूर्य को खराब माना जाता है। तो सूर्य अगर निर्बल है और प्रश्न पूछने वाला अगर पुरुष है तो प्रश्न में सफलता संदेह उत्पन्न करती है, यानी सफलता मिलने में संदेह है। अगर स्त्री प्रश्न पूछ रही है और शुक्र खराब अवस्था में है तो सफलता में संदेह आप कह सकते हैं। लग्नेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन योग अगर बन रहा है, लग्नेश और सप्तमेश का अगर राशि परिवर्तन योग बनता है तो भी आप कह सकते हैं कि प्रेम संबंध में सफलता मिलने का योग है। एक अजीब बात मैं बताने जा रहा हूं, बहुतों को शायद अच्छी ना लगे, लेकिन प्रश्न के वक्त लग्नेश अगर सप्तम भाव में चला जाता है तो पुरुष है अगर तो वो स्त्री की बात सुनकर चलता है, और यदि सप्तमेश लग्न में चला जाता है तो जो भी हो प्रश्न पूछने वाला, पुरुष है तो स्त्री पुरुष की बात सुनेगी और स्त्री है तो पुरुष स्त्री की बात सुनेगा। यहां इस तरह से आप विचार कर सकते हैं। प्रश्न
पूछने वाला अगर पुरुष है और लग्नेश प्रश्न के वक्त जो प्रश्न कुंडली खुलती है, लग्नेश अगर उच्च राशि में बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि पुरुष अत्यधिक प्रेम चाहने वाला है। सफलता के लिए सप्तमेश और पंचमेश विशेष ध्यान योग्य चीज है। आप इसको सीधे सरल शब्दों से ये समझ लें कि चार चीजों पे आपने ध्यान देना है, लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश। इसे एक तरह से आप त्रिकोण समझ लीजिए। और चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि किसी भी स्थान से अगर पड़ रही है तो आप सफलता मिलेगी ऐसा कह सकते हैं। प्रश्न के वक्त सप्तमेश अगर उच्च का है तो वो आपका पार्टनर ही, जिसके बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वही आपसे मिलने को ललायित है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो खैर मेष लग्न की कुंडली है जिसमें शुक्र सप्तमेश है और सूर्य पंचमेश है, सूर्य वक्री हो नहीं सकता। लेकिन प्रश्न के वक्त किसी और लग्न में पंचमेश अगर वक्री है तो प्रेम संबंधी मामले में आप कमी कह सकते हैं। सप्तमेश अगर वक्री है तो आप कह सकते हैं आप जिसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं वो आप में इंटरेस्टेड नहीं। बड़ा सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं समझने का। लग्नेश ही वक्री है अगर प्रश्न के वक्त तो लग्नेश खुद ही कंफ्यूज है प्रश्न पूछते वक्त, वो पूछना किसी और के बारे में चाह रहा है और चाहता है किसी और को, इस तरह की स्थिति भी हो जाती है। मतलब जो भी मिल जाए, इस तरह की स्थिति में पुरुष होता है उस वक्त। तो लग्नेश, सप्तमेश और पंचमेश का वक्री होना प्रश्न के वक्त, खास करके प्रेम संबंधी प्रश्न के वक्त, इन तीनों में से कोई एक भी वक्री है तो प्रश्न में सफलता संदेह उत्पन्न करती है, आप इनकार कर सकते हैं। चलिए इजाजत दीजिए मुझे, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी दूसरे विषय को लेकर। ये वीडियो भी कॉमन क्रिएटिव में ही जाएगा, यानी कॉमन क्रिएटिव वीडियो है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना मुझसे पूछे। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।